तो डॉक्टर साहब, लेकिन वैसे क्या कर रहे हैं। मसला क्या है? अगर आप इमरजेंसी में चली जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम क्या है वैसे, अगर ये बताना पसंद करें? मेरी बात सुने, इमरजेंसी में मैं चली जाऊंगी। चले मैं अपनी प्रॉब्लम बता देती हूँ। इमरजेंसी में जो वाइडीए साहब, अभी हमने कभी आज तक किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, जो जी चेयरमैन जी साहब हैं जिनकी वाइफ वहाँ बैठी हुई है, जब मैं फर्स्ट डे गई तो मुझे वहाँ के डायरेक्टर साहब ने फरमाया कि मॉर्निंग के टाइम वाइडीए के चेयरमैन साहब डॉक्टर हैदर, उनकी वाइफ होती है, मॉर्निंग में मैडम आपकी ड्यूटी कभी नहीं लगेगी, आई एम शिफ्टिंग यू टू द इवनिंग। ठीक है, अच्छा मैंने कहा सर क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ को हम नहीं ला सकते। कल आपके ये तारिक न्याजी साहब ने बोला है कि ईआर में मेरे पास डॉक्टर कम थे, तो डॉक्टर तारिक न्याजी ने डॉक्टर नूर जो उनकी वाइफ है, हमने आज तक किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये लोग मजबूर करते हैं। जब आप किसी औरत के लिए आके यहाँ वाइडीए साहब ये बोलेंगे, तो अभी बोल रहे हैं साहब, और मुझे गलत कह रहे हैं कि चार लोग शिफ्ट हुए, वो भी फिर सुनेंगे। वो डॉक्टर नूर जो वाइडीए चेयरमैन की लेकिन वाइफ है, लेकिन उनको मुझे तारिक चले, न्याजी साहब ने वो तो उठा चले के ठीक है, एक बात ओपीडी में अलग। भेजा। डॉक्टर साहबा चले वो एक बात अलग, लेकिन आप तो इसेंशियल सर्विसेज में है, राउंड द क्लॉक आपको अगर ड्यूटी करनी पड़े तो वो भी करनी पड़ेगी, तो ये बात उसमें तो है। मतलब सिर्फ ये कहना हाँ, कि ड्यूटी करने में जी। अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई मसला नहीं रहा। पहले मैंने 3 महीने ईआर किया, मुझे कभी कोई मसला नहीं रहा। उसमें कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे जो ऑन द रिकॉर्ड मैं नहीं बता सकती। हो सकता है एमएस साहब को तब लगा हो कि मेरी जॉब सेफ नहीं है, उन्होंने मुझे वहां से उठा के शिफ्ट किया। अगर एमएस साहब, ये एमएस साहब आया, ये एमएस साहब यहाँ एक बंदे की सुनने नहीं आई, ये अपने सब मेडिकल ऑफिसर्स की सुनने आया, मैं भी इनकी एम्प्लॉय हूँ, मैं भी इनकी जूनियर हूँ, तो फिर लेकिन मैंने डॉक्टर इसमें साहब, किसी क्या का वजह है कि क्या वजह है कि एमएस साहब ठीक है सबकी सुनने आए हैं, लेकिन धमकी आमेज कॉल्स जो है वो आपके मसले पे जो है वो की जाती हैं? मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं धमकी अमेज कॉल किसने किया? किसी पीएमएलएन के बंदे ने? राजा नहीं, मैं बशारत तो साहब इसीलिए ने अगर पूछ रही कॉल हूँ। की है, हाँ, लेकिन राधा राजा बशारत साहब एक बशारत टाइम पे साहब, पीएमएलएन में भी थे ना, और काफी उनके अच्छा कुर्बतें अच्छा जो है मैंने वो कहा मुझे इतना जाता है नहीं हनीफा पता, बासी साहब मुझे के इतना साथ। नहीं पता, सही आपने मुझे बताया। अच्छा होगी, होगी, हो सकती है, उनकी तो बहुत अच्छा से काफली वालों से, बहुत से पीटीआई वालों, बहुत से ठीक, पीपल्स पार्टी वालों से भी है। मेरी बात सुने, राजा बशारत साहब को मैंने कोई कॉल नहीं की, राजा बशारत साहब को ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि डॉक्टर तारिक ठीक नियाज़ी साहब इस ठीक तरह है इतना डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल आपका सिस्टम बहुत में बहुत इंटरवेंशन। शुक्रिया।